मन तुम बादाम पारन बादाम बादाम दादा का चाह बादाम। इन दिनों हमारे देश में फॉग नहीं बल्कि कच्चा बादाम चल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर रील बनाकर कच्चा बादाम बेच रहे हैं। कच्चा बादाम सॉन्ग्स पर रील बनाकर लोग वीडियोस बना रहे हैं और करीब 4 लाख वीडियो इस गाने पर अभी तक बनाए जा चुके हैं। लेकिन इस गाने को किसने गाया, यह बड़ा सवाल है। आखिर कौन है कच्चा बादाम के सिंगर भूमन बाड़ेकर, मूंगफली बेचने वाले रॉक स्टार की पूरी कहानी और कैसे ये उन्होंने ये गाना बनाया जिसका हर कोई दीवाना है। सोशल मीडिया पर ये गाना ट्रेंडिंग में है। हर कोई रील बनाकर सोशल मीडिया पर ये गाना पर डांस करता नजर आ रहा है। हर 3 में से एक गाना इसी का है। अब तक इस गाने पर करीब 4 लाख रील्स बनाए जा चुके हैं। ये गाना बंगाली में है लेकिन लोग भले ही भाषा समझ ना पाएं इस गाने पर रील जरूर बना रहे हैं। हर 3रा वीडियो इसी पर नजर आ रहा है। लोग इस गाने को भले ना समझ पाएं लेकिन स्टेप सभी फॉलो कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये गाना आया कहाँ से है, किस फिल्म का है, इसका गायक कौन है। तो आपको बता दें कि यह गाना पश्चिम बंगाल से है, लेकिन ना तो ये गाना किसी फिल्म का है और ना ही किसी बड़े सिंगर ने इसको गाया है, बल्कि एक मूंगफली बेचने वाले ने इसे गुनगुनाया था। गाने के बोल बंगाली में हैं जो कुछ इस तरह हैं, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाने को भूमन बाड़ेकर ने गाया था। वह पश्चिम बंगाल में कोराल पुजुरी गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता के 3 भाई हैं और पेट पालने के लिए मूंगफली बेचा करते थे। साइकिल पर मूंगफली से भरा झोला टांग कर वह घर से निकलते थे और यही गाना गाते थे कच्चा बादाम। लेकिन ये जब एक दिन मूंगफली बेच रहे थे तो किसी ने इनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इनको पता ही नहीं था और ये सोशल मीडिया स्टार बन गए। बता रहे हैं कि भूमन रोज 3-4 किलो मूंगफली बेचने के बाद 200 से 250 रुपए कमा पाते हैं। भूमन ने मीडिया से बताया कि जब से उनका ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उनके बिजनेस में इजाफा हुआ है। आज तक न्यूज़ चैनल से बातचीत में भूमन ने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग मेरे गाने के बारे में जानें। मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरी मदद करे और कुछ फंड दे जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण मैं ठीक से कर सकूं। मैं उन्हें अच्छा खाना और पहनने के लिए कपड़े देना चाहता हूं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भूमन का गाना अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने अपना एक एल्बम में भी गाना गाया है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।